नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स ज्ञान पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको दिल के बारे में मज़ेदार रोचक बातों के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके लिए और आपको जानना बेहद ज़रूरी होता है, दिल के बारे में रोचक बातें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटे के बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, एक वयस्क व्यक्ति के दिल का औसतन आकार यानी कि एवरेज साइज उसकी मुट्ठी के बराबर होता है। नंबर दो, दिल एक दिन में लगभग 1,15,000 बार धड़कता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि दिल एक दिन में लगभग 2,000 गैलन यानी कि 7,570 लीटर रक्त को पंप करता है। नंबर चार, एक वयस्क व्यक्ति का दिल प्रति मिनट 60 से 80 बार धड़कता है। ये तो आप लोग सभी जानते होंगे, लेकिन नवजात शिशुओं के हृदय की धड़कन की गति 70 से 190 प्रति बिट मानी जाती है, ये आपको नहीं पता होगा। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि इस संसार में जितने भी जीवित प्राणी हैं, उनमें सबसे छोटा दिल फेरी फ्लाई यानी कि एक छोटा ततैया होता है, उसके अंदर सबसे छोटा दिल पाया जाता है, और सबसे बड़ा दिल व्हेल मछली के पास पाया जाता है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि एक महिला का दिल पुरुषों की तुलना में कुछ ज़्यादा तेज धड़कता है। आपको ये बात नहीं पता होगी, तो आज आप इस बात को ज़रूर जान लें। दोस्तों, आपने अपने दिल की आवाज़ तो बहुत बार सुनी होगी, डब डब लब डब लब डब। ये दिल के वॉल्व खुलने की वजह से होती है। शायद आपको ये नहीं पता होगा, जब दिल का वॉल्व खुलता है तो ब्लड पंप होता है, और ब्लड पंप होता है तो दिल की ऐसी आवाज़ आती है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि दिल भी टूटता है? जैसे कि आप लोग कहते हैं कि मेरा दिल टूट गया या फिर मेरा किसी ने दिल तोड़ दिया, वो तो एक इमेजिनेशन वाली बात होती है, लेकिन दिल सच में टूटता है, और इस स्थिति को ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहा जाता है। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिल टूटने की संभावना होती है, और किसी तरह की यानी कि डेथ होने की खतरा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक ये पहुंच जाता है हार्ट अटैक तक। और इस वीडियो की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप लोगों की नस यानी कि रक्त वाहिकाएं पूरे शरीर की निकाल दी जाएं और उन्हें एक लाइन में लगा दिया जाए, तो ये 60,000 मील से भी अधिक ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। हंसना दिल के लिए बेहद अच्छा होता है, और तनाव दिल के लिए सबसे ज़्यादा बुरा होता है। अगर आप लोग अपने दिल को हेल्दी रखना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं, तो अपने आप को तनाव से दूर रखें और हंसते रहें। हंसते रहेंगे तो आपका दिल फिट रहेगा, और आप हमेशा अपने आप को हार्ट अटैक या फिर हार्ट स्ट्रोक जैसी समस्या से अपने आप को सेफ रख सकते हैं, बचा सकते हैं। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों को इस बारे में ज़रूर बताएं, इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में ज़रूर बताएं कि दिल के बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारी है। अगर आपको ये वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी हेल्थ से जुड़ी हुई और जानकारी लेकर आते रहें।